Afternoon. So welcome to the session on AutoCAD. So what's going on? What's happening? आज तो आज कार में बैठ गया. कुछ नहीं सर. Actually थोड़ा बाहर था. आपका कॉल आने के बाद फिर क्या करता फिर? घर जाने से पहले ही घर जाते जाते 7-8 बज जाते बोला. यहाँ पे हो ना एक्चुअली गांव में फार्मिंग का काम चल रहा है बहुत सारा. कहाँ पे लोकेशन? कौन सा लोकेशन में है आपका? नासिक. नासिक. नासिक में गए क्या? हाँ नासिक एक्चुअली मेरा होम टाउन ना यहाँ पे. ठीक है स्टार्ट करते हैं सेशन. AutoCAD नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन. यस सर. यस ओके सो लेट्स गो टू स्टार्ट विद AutoCAD. सो इन द लास्ट सेशन वी हैव लर्नड अबाउट द लाइन कमांड. ओके सो एज टू रिलेटिव एंड लाइन कमांड हुआ था है ना. So yes, sir. I will show you the screen. Can you see this particular screen? Yes sir. Yes sir. Right. ये आपको ये स्क्रीन दिख रहा है क्या अबाउट ज्योमेट्री हाउ टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्शन लाइन. ठीक है लास्ट क्लास में हमने जो ना लाइन कमांड सीखा था. ठीक है तो लाइन कमांड में क्या करना है? यहाँ पे लाइन कमांड लेके स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करना है और उसके बाद जो है एट द रेट यूज करना है. ओके टुवर्ड दिस ईयर एट द रेट एंड देन एक्स में वैल्यू देना है 10 mm एंड वाई में जो है ना 0. ठीक है तो यहाँ से मैंने एट द रेट 10.0 दिया. तो ये है तो जूम करते हैं इसको स्क्रॉल से बहुत एंड ये 10 mm का लाइन हो गया. एंड वर्टिकल में 10 mm ड्रॉ करना है. तो अगेन क्या करना है एट द रेट. ओके कमांड प्रॉम्प्ट में एट द रेट टाइप किया मैंने और उसके बाद एक्स में 0.10 दिया. 0 रहेगा वर्टिकल रेट किया. अगेन एट द रेट यस सर -10.0 दिया. -10.0 अगेन यू हैव टू गिव -0 माइनस सी फॉर क्लोज. सो इट विल एग्जिट फ्रॉम द कमांड. सो दिस इज अबाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ लाइन कमांड. So now you have to see this particular yes, sir. layer. Layer command में जाने का यहाँ पे. ठीक है तो layer command में यहाँ पे others okay. others में जाके यहाँ पे load. Go to the load and load. Then select the various options from here. Okay. So that's our center. Okay. And okay करने का. Okay. Yes, sir. So already it is selected. Now I'm selecting another option. So ये select हुआ. Then similarly you can select the other like a border other than okay. this, border select the track zigzag okay any type of line yes sir okay, so goes on adding okay and then select the line yes, option okay. So yahan pe main line option jo hai na center line use kiya and after selecting this center line now you have to select the construction line. Go to the draw icon here. Construction line. Construction line is the okay. Select the midpoint here, and then select the second one midpoint here. Okay, ye hai center line. Now when you are creating the center line, this is a too much. Okay, this is a bigger line. So how to create an approximate center line? For that you have to use the LT scale from the command prompt. यहाँ पे मैंने एलपी स्केल करके दिया एंटर करने का एलपी स्केल. ठीक है तो एलपी स्केल लाइन टाइप स्केल एंड देन रिड्यूस टू 0.2. ओके सो नाउ इट्स यू कैन एप्रोक्सीमेटली अगेन यू कैन रिड्यूस टू 0.04. ठीक है लाइन ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो है ना ये सेंटर लाइन बन गया. Construction line is a continuous line. Okay, it's a continuous, you know, infinite on both the side. 180 degree में जो है ना infinite line बनेगा. ठीक ठीक है इसको construction line बोलते हैं. ये central line के लिए use कर सकते हैं. Civil drawing में जो है ना hundreds of feet meters में length रहता है ना तब use करते हैं. So here it is a break command. यहाँ पे join command है. So this is a break command. Can you see the break command? Towards the draw option में yes, draw option में देखो break करके command है. तो break command से इधर से क्या करना है break करना है. यहाँ से ये मैं break किया. Again break command लेने का इधर से और यहाँ से मैंने break किया first point and second point.
एंड इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देने का, ये भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देने एफएट तो बेसिक ऑप्शन जो रहेगा वो मैं आपको बाद में और बताऊंगा। ओके तो अभी आपको क्या समझा? सेंटर लाइन, हेलो, कैसे ड्रॉ करना है समझा विद द कंस्ट्रक्शन लाइन यूज करके। यस, आइदर यू कैन यूज द सेम लाइन कमांड आल्सो। लाइन कमांड फिर हम बना सकते हैं। ओके तो लाइक अ लाइन कमांड एंड स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन एफएट प्रेस करने का और डिस्टेंस देने का, फिर मेरे को 150 mm का चाहिए तो 150 मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ, 150 यानी 150 का लाइन बन गया। एंड राइट क्लिक एंड एंटर। ओके, अगेन लाइन कमांड, राइट क्लिक एंड मिड पॉइंट। फ्रॉम द मिड पॉइंट से मेरे को और 25 mm का ड्रॉ करना है तो 25 mm का। ओके, इस तरह से हम लाइन कमांड से भी बना सकते हैं। बट मैंने जो है ना लाइन के बाद मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन बताया, उसके बाद आता है पॉली लाइन। यस सर, polyline is a creating a continuous line. Okay, it's the continuity with the single entity. It is used for like defining the boundary or hatch option. जब use करते हैं उसके लिए boundary करने के लिए ये command use करते हैं। Polyline command में जाने का। Okay. Again, it's a like a use the similar options like as to relative coordinate system जो है वो use करना है। ठीक है? So now here to create a continuous चलते हैं actually. Polyline में क्या करना है? First point select करना है। Again use the option that's at the rate 20 mm less than symbol 0 degree. I'm using this polar coordinate system. Again use this at the rate, so 20 mm and 90 degree vertical branch here to draw it. Okay, again at the rate 20 and 180 degree. So here see it at the bottom at the command prompt, that is at the rate 20 less than symbol 180 and then enter. And you can join this beginning of the point. So this is how we can create. And now, what is the difference between this rectangular and this rectangular? This is a single entity. You can see this is a single entity, whereas this is an individual. This is line different. This is line different. Okay. So अलग अलग है. So line command से क्या होता है? सब अलग अलग object बनता है. Whereas in polyline क्या होता है? Single entity. Okay. Now this single entity what I have created with the polyline, you can change to different line type, that is a layer by layer continuous line. You can line type, line, yes. Continuous. So then escape. Okay. So this is okay. A polyline. Again, I will show you another option with the polyline itself. Polyline is for creating a continuous object. So polyline command lene ka. Uske baad the starting point from where do you want to start? Okay, just pick over there. Okay. Uske baad the distance lene ka. And you can change the line type from here also before you want to start, escape karo or by layer and polyline command lene ka yahan pe, or pick the first point and then say 20 mm directly. You can create a 20 mm, this is a shortcut option. Okay, and then vertical say okay. 10 mm, again 5 mm, again 10 mm down, again 20 mm. Yes, sir. And then 25 mm. Okay. And if you know that this is a total length, it is good. Yes. Otherwise, this particular option to dot dot are na isko polar tracking bolte hain. Theek hai? Ye by default okay. Rehte hain, nahi to yahan pe jo status bar niche dikh raha hai na, yahan se hum option jo hai na isko F10 bhi use kar sakte hain. F10 is for polar tracking. Okay. To ye main cursor yahan pe leke aaya, idhar pick nahi karna hai. Just yahan pe cursor leke aana hai okay. Aur dheere se upar lena hai cursor. Sip leke aana hai.
हाँ, तो ये यस क्या हो सर, गया, देखो यस इधर सर, लॉक हो गया और देन लेट बटन से अभी क्लिक करना है, यस सर, एंड देन यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट को क्लिक करना है, पर राइट बटन यूज करना है, एंटर करना है। ये जो है ना, एक मैंने अभी जो बनाया एंटर करना है। ओके पॉलीलाइन, पॉलीलाइन से सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया, यस सर, पॉलीलाइन से क्या हुआ, ये सिंगल एंटिटी, दैट्स कॉल्ड द पॉलीलाइन, सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट। व्हाई दिस सिंगल लाइन ऑब्जेक्ट, व्हाई यू हैव यस सर, क्रिएटेड इज नो फॉर क्रिएटिंग हियर द हैश कमांड, कि अभी हम इसमें जो है ना हैश क्रिएट करना है, ठीक है। सो हैश करने के लिए जो है ना हम यहाँ से हैश कमांड डायरेक्टली दे सकते हैं, ड्रॉ ऑप्शन में जाने का हैश, ओके यहाँ पे दिख रहा है हैश, ओके हैश, यस सर, राइट, ओके हैश कमांड में जाने का, एंड देन हैश में जो है ना इन दिस पर्टिकुलर हैच ऑप्शन आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैच यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम दिस लिस्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैच, और जस्ट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर दिस आइकॉन एंड देन यू कैन सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर इमेज फ्रॉम हियर आल्सो यू कैन सेलेक्ट, बाय डिफॉल्ट वी सेलेक्ट द एनसिसो दिस 131 फॉर मैकेनिकल, फॉर क्रॉस सेक्शन के लिए हम जो है ना एनसिस 31 के बाद जो है ना ऑप्शन लेना है, एंगल 0 एंड 1:1 स्केल लिया, ठीक है, यू कैन से 0.3 देता हूँ यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे जो है ना बाउंड्रीज में जो है ना पिक पॉइंट और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ओके जस्ट सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, एक ही बार मैंने क्लिक किया सर, एक बार रिपीट, ओके राइट क्लिक एंड एंटर एंड यू कैन प्रीव्यू हियर, ठीक है, राइट क्लिक एंड यू कैन डू अगेन, आई विल शो यू अनदर वंस अगेन, so go to the draw yes. option, okay, draw, or else here you can see hatch. The hatch commander, yahan pe hatch command jo hai yahan se le sakte ho hatch, okay, and hatch yahan pe hatch lene ke baad yahan pe click karne ka, that is hatch pattern, select the NC31 and yes, okay. Uske baad jo hai okay yahan pe option select karna hai, use the current origin in the corner se select karke lega, एंड यहाँ पे जो ना सेलेक्ट, ये दो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, आइदर यू कैन सेलेक्ट विद द इनसाइड और सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो पिक पॉइंट मतलब क्या है, अंदर की तरफ ऐसे करेंगे तो ये एरिया सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है, ओके यस, और सर उसके डिफरेंस कितना होना चाहिए एक्चुअली, ये डिफरेंस जो डिफरेंस इज एज पर द 1:1 स्केल देना है, और जब ड्रॉ ये करते हैं ना तो नॉर्मली जो है अराउंड 1 mm का जो है ना डिस्टेंस रहता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द ड्राइंग स्केल आल्सो, ड्राइंग का जो स्केल रहता है उसके हिसाब से, अभी मैंने जो है ना यहाँ पे ये देने के बाद वापस से आप जो है ना स्क्रीन में आओगे, आइदर यू कैन यूज दिस ऑप्शन आल्सो, एंड उसके बाद जो है ना अभी हम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो सेलेक्ट किया राइट बटन करने का एंटर, ओके, एंड देन यू कैन सी द प्रीव्यू और एल्स से ओके, यस सर, ये पॉलीलाइन जो है ना हमने जो क्रिएट किया है वो हैच बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, आल्सो यू कैन यूज फॉर क्रिएटिंग एन 3D ऑब्जेक्ट, आल्सो 3D ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज होता है, ठीक है, दैट्स अबाउट द पॉलीलाइन एंड द हैच कमांड, समझा क्या आपको, हैच कमांड में और ऑप्शन है और आगे यस सर, पॉलीलाइन, पॉलीलाइन कमांड के लिए जो है ना क्यों यूज करना है उस पर्पज के लिए मैंने ये हैच कमांड बताया, तो अभी मैंने आपको जो क्या क्या कमांड बताया ओवरव्यू करता हूँ थोड़ा, ठीक है, आई डिलीट दिस, देखो पहला कमांड मैंने बताया आपको लाइन कमांड, ठीक है, लाइन कमांड लिया, लाइन कमांड सेलेक्ट किया, इंक्लाइन है ना, एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड देन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये तीनों कोऑर्डिनेट यूज करने के लिए ऑर्थो एट द रेट एंड देन यू कैन यूज एट द रेट फ्रॉम दिस कमांड प्रॉम्प्ट, ओके से 10 mm एंड कॉमा 0 10 mm, दस एम एम का लाइन बनाया, उसके बाद जो है ना अगेन एट द रेट 0.10 mm वर्टिकल, अगेन एट द रेट -10.0, ठीक है, एंड देन यू कैन जॉइन हियर राइट बटन एंड एंटर, यस सर, इस तरह से रेक्टेंगल बनाया, उसके बाद जो है हमने कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड किया, कंस्ट्रक्शन लाइन क्या है, कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन लाइन या वर्टिकल में कंटिन्यूअस लाइन, और F8 प्रेस करोगे ना इसके बीच में, इफ यू यूज द F8 यू कैन क्रिएट अ इंक्लाइन, एंड ये कंटिन्यूअस 3 इट्स इन 180 डिग्री में बनेगा, ठीक है, ओके 180 डिग्री में बनेगा, 180 अभी 180 डिग्री में बन रहा है,
ओके अगेन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इनफाइनाइट है ये ठीक है और ये जो डिस्टेंस गैप है ना ये गैप बढ़ाने के लिए क्या करना है एल टी स्केल ठीक है एल टी स्केल मैंने कहाँ पे दिया नीचे एल टी स्केल दिया एल टी स्केल मतलब लाइन टैग स्केल एंड एंटर किया अभी मैं यहाँ पे वन करता हूँ वन करने से देखो कितना बड़ा हो गया है लाइन टाइप गैप जो है ना बढ़ गया ठीक है तो मैंने अभी एल टी स्केल दिया एंड देन पॉइंट नॉट टू दिया मैंने ओके आपको ड्राइंग के हिसाब से जो है ना थोड़ा स्केल को एडजस्ट करना है अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो है ना वन इज टू वन स्केल के लिए जो है ना पॉइंट फोर देना है पॉलीगॉन कमांड सो नाउ एट द बॉटम इन द कमांड प्रॉम्प्ट यू कैन सी हियर पॉलीगॉन एंटर द नंबर ऑफ साइड्स फोर है ना तो यहाँ पे क्या करना है मैं सिक्स हेक्सागन देता हूँ हेक्सागन दिया उसके बाद स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ पॉलीगॉन पॉलीगॉन मीन नंबर ऑफ साइड्स आई एम गिविंग सिक्स साइड्स ओके फॉर क्रिएटिंग एन ज्योमेट्री ऑफ हेक्सागन पेंटागन ऑक्टागन नैनोगन ऐसा हमको ड्रॉ करना है ना ज्योमेट्री तो ये ज्योमेट्री क्रिएट करने के लिए यूज yes, अभी मुझे पॉलीगॉन सिक्स साइड का बनाना है तो मैंने सिक्स दिया और उसके बाद सेंटर पॉइंट आई वांट टू सेलेक्ट द सेंटर पॉइंट okay then inscribe or circumscribe inscribe means kya this particular hexagon will create inside the circle and the circumscribe means this hexagon will fit outside okay so yahan pe main inscribe deta hu I for inscribe I and then radius dena 20 mm ka radius deta hu main theek hai to ye 20 mm dene se ye ban gaya okay I can move this object from here F8 press the another So here again I'll show you once again. Sir, move command. हाँ यहाँ पे move command है कल मैंने last class में बताया था move command. हाँ ये जो है move command लेना है object को select करना है right button and then select the base point and then wherever you want you can place it. If it is the F8 is locked then वो horizontal या vertical में जाएगा. तो F8 को off करना है and then you can place wherever you want. Want to create a pentagon, okay? So five sides. Then enter five. मैंने command prompt में देखो इधर command लिया polygon. Polygon means number of sides. Minimum three and maximum 256 sides बना सकते हैं. और enter the number of sides five. Five दिया इधर, ठीक है? Five. So you can see this. Yes sir. Five नीचे लिखा हुआ दिख रहा है. देन एंटर करना है उसके बाद सेंटर पॉइंट देना है ओके ओके एंड देन इंस्क्राइब एंड देन रेडियस से 10 mm ठीक है एंड जूम करना है जूम ऑल तो दिखाई देगा वो ये देखो फाइव साइड्स 1 2 3 4 5 दैट इज अ पेंटागन यस सर यस राइट ऑक्टागन क्रिएट करना है अगेन पॉलीगॉन Now 8, 8 दिया मैंने 8 and then center point select किया ठीक है inscribe and then the radius 15 yes, mm ठीक है तो 8 side अभी ये inscribe and circumscribe क्या है वो देखेंगे उसके लिए हमको circle command सीखना पड़ेगा तो first we learn about this the circle okay. circle command में गया and circle का center point देना है okay center point दिया और उसके बाद जो है ना 20 का radius दिया ठीक है तो 20 रेडियस का मैंने एक सर्कल बनाया ठीक है और मैं अभी जो है ना पॉलीगॉन कमांड लेता हूँ यहाँ से पॉलीगॉन एंड पेंटागॉन फाइव साइड्स एंड सेलेक्ट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे सेंटर पॉइंट उसके बाद जो है ना आई इंस्क्राइब दिया मैंने आई फॉर इंस्क्राइब एंड देन 20 mm तो 20 mm इंस्क्राइब मीन्स व्हाट दिस पेंटागॉन विच फिट इनसाइड द सर्कल Are you getting?
So again, I'll show you sir, about repeat, yeah. circumscribe. Okay. Yes. So five sides, and then center point here, and then C4 circumscribe, and then 20 mm. So this is about the difference between the circumscribe. मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट जो है ना उसका एज जो है ना टच होके सर्कल को आउटसाइड से फिट हो गया. वेर एज इन पर्टिकुलरली फॉर दिस इंस्क्राइब दिस पेंटागॉन फाइव साइड्स हैज फिट इनसाइड सो दैट एजेस आर टचिंग टू द सर्कल सर्कमस्टेंसेस उसको टच होके अंदर बैठ. यस सर. तो इसलिए हम जो है ना आई और सी यूज कर सकते हैं. आर यू गेटिंग सर? एक बार रिपीट कर सकते हैं? यस सर. दोबारा बता देता हूं मैं और एक बार देखो. डिलीट दिस. मैं पेंटागन में गया अभी. ओके. सेंट्रल पॉइंट. बस सेंटर पॉइंट द सर्कल का सेंटर पॉइंट लो. ओके. आई फॉर सर्कल का रेडियस जितना आई दिया और आई फॉर क्या इनस्क्राइब. ओके. ओके. एंड देन रेडियस सर्कल का रेडियस क्या है वो देना है. तो 20 का रेडियस है. यस सर. पेंटागन क्या हो गया सर्कल के अंदर फिट हो. ओके. अगेन फाइव साइड्स सेंटर पॉइंट सी फॉर सर्कल ट्राइव एंड 20 आगे तरफ से फिट हो गया. ओके सर. यस सर. आर यू गेटिंग? यस सर. अगर आपको समझ में आ रहा है क्या क्या समझा अभी तक? यस सर. सर एक्चुअली सबसे पहले हमने लाइन किया. लाइन के बाद हम लोग गए सेंटर पॉइंट पे सेंटर लाइन पे. हेलो. आप सुन रहे हैं? यस. उसके बाद यस सर. यस सर. उसके बाद हमने देखा कि एक्चुअली सेंटर लाइन के बाद सर कौन सा लाइन देखा था हमने? वो इंक लाइन ना. हां सर्कमस्क्राइब इन यस इंक्लाइन सर. राइट ना सर. उसके बाद पॉली पॉली लाइन देखी सर. उसके बाद हम लोगों ने देखा पॉली लाइन के बाद हम लोगों ने देखा हैच हैच कमांड सर्कल. राइट सर. हेलो. यस. सो आपने अभी जो बताया उसका मैं रिपीट करता हूँ. देखो पहला आपने जो सीखा लाइन कमांड. लाइन कमांड के बाद जो है ना कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं सर. कंस्ट्रक्शन लाइन मींस का कंस्ट्रक्शन सॉरी कंस्ट्रक्शन लाइन. उसके बाद सेक्शन ऑफ पॉली लाइन कमांड. पॉली लाइन से क्या होता है कंटीन्यूअस लाइन. ओके. एक कंटीन्यूअस लाइन होता है और सिंगल एंटिटी रहेगा. यस 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 सिंगल एंटिटी. देन हमने देखा पॉलीगॉन. पॉलीगॉन मतलब क्या है नंबर ऑफ साइड्स. ओके. पॉलीगॉन 6 दिया मैंने. यस सर. पॉइंट लिया और सी फॉर सर्कम साइज एंड 5 एमएम का रेडियस दिया. तो ये हो गया पॉलीगॉन. Yes, sir, right. And then circle देखा. Polygon. Circle जो है ना circle क्या radius दियो और 5 mm का radius. ठीक है. Then rectangle command. अगला क्या है? Yes, rectangle. Okay? Rectangle command में जो है rectangle command. पहला first point दिया और second point. ठीक है. Second point मैंने यहाँ पे click किया rectangle. But this is the not to scale हो गया. Yeah, rectangle. आपको exactly बनाने का rectangle तो first rectangle first point देना है और कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाके एट द रेट से 10 ओके कॉमा 20 देना है. ओके. ये 10 हो गया और ये 20 दैट इज अ रेक्टेंगल. देन आर्क. आर्क ऑप्शन में जो है ना पहला सेंटर पॉइंट दिया एंड सेकंड पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट दैट इज द क्रिएटिंग एन आर्क. सो अगेन आई विल शो यू दैट फर्स्ट पॉइंट एंड देन थर्ड आर्क बना सकते हैं. और इसमें जो है ना ऑप्शन है बहुत सारे. तो दैट आर्क ऑप्शन फर्स्ट पॉइंट. ओके. एंड देन यूज द सी फॉर सेंटर. यहाँ पे ऑप्शन में देखो सी एंड ई है तो सी फॉर सेंटर. उसके बाद आइडेंटिफाई द सेंटर पॉइंट. हाँ तो यूज द अगेन एब्सोल्यूट या पोलर इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर सकते हैं. 10 mm एंड 0 डिग्री. ठीक है. तो ये जो डिस्टेंस है ना दैट इज द 10 mm का है और 0 डिग्री मतलब ये हो गया. और उसके बाद जो है ना एंगल देना है. एंगल जो है ना मैं सपोज 45 डिग्री दूंगा ना तो ये 0 है. यहाँ से 45 डिग्री में कट हो जाएगा. तो मतलब क्या है तो मैं जो है ना कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ से अभी. ओके. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के लिए F8 प्रेस करता हूँ.
ये जो स्टार्ट पॉइंट है देन ये जो डिस्टेंस है ना ये 10 mm है और ये जो एंड पॉइंट हुआ दिस पर्टिकुलर दिस पोर्शन इज 45 डिग्री। आर्क में ऑप्शन लेना है फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट के लिए मैंने क्या किया सी फॉर सेंटर, सी ऑप्शन लिया है मैंने यहाँ से सी सेंटर किया। एंड देन इसका डिस्टेंस देना है सेंटर डिस्टेंस दैट्स अ 10 एट द रेट 0 ठीक है। और उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे ऑर्थो ऑफ करना है ठीक है। ऑर्थो ऑफ करने से क्या होगा ओके ये जो एंगल में क्रिएट होगा तो यहाँ पे मैं इंक्लाइन पहले क्या हो गया था वो ऑर्थो ऑन हो गया था इसलिए करके वो 90 डिग्री में बना था। तो यहाँ से ये जो है ना डिस्टेंस 10 एमएम का रेडियस है और ये जो सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट हम अभी बनाते हैं इधर से और तो ऑन करेंगे तो F8 क्रिएट करना है। तो यहाँ से देखो ये जो है ना एंगल दिस वन इज द 45 यस सर आर यू गेटिंग यस सर क्लियर। तो आज हमने जो कमांड सीखा इसके ऊपर आपको जो है ये करना है प्रैक्टिस। आज हमने सीखा लाइन कंस्ट्रक्शन लाइन पॉली लाइन देन पॉलीगॉन रेक्टेंगल आर्क एंड अ सर्कल। तो 1 2 3 4 5 6 7 सेवन कमांड आपने सीखा है आज। सातों कमांड आपको प्रैक्टिस करना है अच्छी तरह से और कल जो है ना क्लास हमारा कल जो है ना 10 o'clock को रहेगा कल मॉर्निंग मॉर्निंग में ओके चलेगा ना मॉर्निंग 10 o'clock ठीक है। मेरा जो है ना शेड्यूल जो है ना अलग अलग क्लासेस वो चल रहा है इसलिए आज का सेशन कैसा लगा सर? फर्स्ट क्लास अच्छा था और समझ में आया सर। हाँ यस सर यस प्रैक्टिस करना है तो आगे बहुत सारा कमांड सीखना है और आगे आगे कंप्लीट करते जाएंगे। ओके 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 थैंक यू गुड नाइट।